या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में माता रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। दोस्तों, हम सभी भक्तों को सालों भर जिस महापर्व का इंतज़ार होता है वो आ चुका है। शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ होने वाली है और कब तक रहेगी। इस साल अर्थात 2019 में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन कौन सी तिथि होगी और उस दिन माता के किस रूप की पूजा की जाएगी, माता को भोग रूप में क्या समर्पित करना है। साथ ही दोस्तों, अगर आप कलश स्थापना करने की सोच रहे है तो आप किस प्रकार से पूजा करनी है, किन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। दोस्तों, विसर्जन किस दिन होगा, हवन किस दिन होगा, कन्या पूजन कब करना है, इन सब से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं अपनी इस वीडियो में आपको देने वाली हूं। और दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमेशा पूछा जाता है कि मुश्किल दिनों में हम पूजा कैसे करें। तो अगर घट स्थापना के दिन आप अशुद्ध हैं तो आप क्या करें, अगर नवरात्रों के बीच में अशुद्ध हो गए तो पूजा कैसे पूर्ण करें, इन सब चीजों के बारे में अपने इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाली हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और कलश स्थापना की विधि, हवन की विधि, इन सब से संबंधित वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर किया हुआ है, उसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में चार नवरात्रियां आती हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा दो गुप्त नवरात्रि भी होते हैं। नवरात्रि के नौ दिनों में माँ के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा इस दौरान अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जो भी सच्चे हृदय से माँ को एक बार पुकार देता है उसके घर माँ दौड़ी चली आती हैं और उसके सभी दुखों को हर लेती हैं। और दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। तो इस बार शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी 29 सितंबर को रविवार के दिन से और 7 अक्टूबर सोमवार के दिन नवमी मनाई जाएगी। 8 अक्टूबर मंगलवार के दिन विजयदशमी मनाई जाएगी। सामान्य तौर पर माँ दुर्गा की सवारी शेर है, लेकिन नवरात्रों के दौरान वो अलग अलग वाहनों पर सवार होकर के पृथ्वी लोक पर आती हैं और उनकी विदाई भी अलग अलग वाहनों पर होती है। इस शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के अपने भक्तों के घरों पर पधारेंगी और उनकी विदाई घोड़े पर होगी। अगर जानकारों की माने तो माँ का हाथी पर सवार होकर के आना और घोड़े पर सवार होकर के जाना निकट भविष्य में विश्व में अशांति का सूचक है, परंतु माँ जब भी अपने भक्तों के घर में पधारती हैं अपने बच्चों को हमेशा आशीर्वाद ही देती हैं, वो हमेशा शुभ होता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस साल घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि 29 सितंबर रविवार के दिन प्रतिपदा तिथि होगी और घट स्थापना प्रतिपदा तिथि के दिन की जाती है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 28 सितंबर को रात के 11:56 से और ये रहेगी 29 सितंबर के शाम के 8:14 तक। तो 29 सितंबर को सारे दिन प्रतिपदा तिथि होगी, आप घट स्थापना कर सकते हैं, परंतु घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह के 6:15 से 7:39 तक। इस बीच में कन्या लग्न रहेगा और इस समय घट स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही दोस्तों, घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी की जाती है। तो अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ होगा सुबह के
46 मिनट से और ये रहेगा 12:34 तक। घट स्थापना के साथ ही आपके घर में माता का आगमन हो जाता है और उस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का यह पहला रूप है। शैलपुत्री पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री हैं। राजा हिमालय की कड़ी तपस्या की, जिसके फलस्वरूप माँ दुर्गा उनकी पुत्री रूप में धरती पर अवतरित हुई, इसलिए उन्हें शैलपुत्री अर्थात पर्वतों की बेटी कहा जाता है। उनका वाहन बैल है और दाएं हाथ में त्रिशूल जबकि बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, अर्थात सभी व्याधियां दूर होती हैं। और इस दिन दोस्तों आपको ऑरेंज कलर के अर्थात नारंगी रंग के वस्त्र धारण करके माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। अब द्वितीया तिथि, इस बार द्वितीया तिथि 30 सितंबर सोमवार के दिन होगी और उस दिन माता के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी रूप माँ दुर्गा का दूसरा रूप है। इस रूप में वह अपने दाएं हाथ में एक माला पकड़ती हैं और बाएं हाथ में कमंडल रखती हैं। मान्यता है कि माता शक्ति ने मुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया और इसी कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से पूजा जाता है। और माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग जो है वो सफ़ेद है, क्योंकि सफ़ेद रंग को मुक्ति, शांति, वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों माँ ब्रह्मचारिणी को आपको भोग रूप में शक्कर समर्पित करना चाहिए। इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों में इसे बांट दें, इससे आयु की वृद्धि होती है। अब दोस्तों तृतीया तिथि 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा मंगलवार के दिन। उस दिन माँ चंद्रघंटा की विधिवत पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। चंद्र यानी कि चंद्रमा, यह शांति प्रदान करने वाली माँ का स्वरूप है। माँ की आराधना करने से सुख शांति मिलती है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे खड़ग, बाण, त्रिशूल, पद, फूल उनके हाथों में सुशोभित हैं। माँ का प्रिय रंग लाल है, तो इस दिन आपको लाल वस्त्र धारण करने चाहिए और माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई, खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान देना शुभ माना जाता है। इसे दुखों से मुक्ति मिलती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब दोस्तों 2 अक्टूबर बुधवार के दिन चतुर्थी तिथि है और इस दिन माँ कुष्मांडा की विधिवत पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का यह चौथा स्वरूप मातृत्व को समर्पित है। मान्यता है कि जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था और अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने ही पृथ्वी को जन्म दिया था। माता ने ऊर्जा का सृजन भी किया था। उनका वाहन सिंह है। माता को शुद्धता की देवी कहा जाता है। उनकी पूजा से सभी रोग, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों माँ कुष्मांडा का प्रिय रंग जो है वो रॉयल ब्लू कलर माना जाता है, यानी कि नीला रंग माना जाता है। और माँ कुष्मांडा को भोग रूप में मालपुआ का भोग समर्पित करना चाहिए। इस भोग को मंदिर के ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और साथ ही साथ निर्णय शक्ति भी बढ़ती है। अब दोस्तों 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन पंचमी तिथि होगी और उस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता देवी का पांचवा स्वरूप है। ये स्कंद यानी कार्तिक की जननी भी कही जाती है, जिन्हें देवताओं ने असुरों के खिलाफ युद्ध में अपना नेतृत्व सौंपा था। तस्वीरों में कार्तिक को माता पार्वती अपने गोद में बैठाए नजर आती है। माँ स्कंद माता का प्रिय रंग पीला माना जाता है और माँ स्कंद माता को नैवेद्य रूप में केले का भोग समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य और निरोग काया की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब षष्ठी तिथि के बारे में जान लेते हैं। 4 अक्टूबर शुक्रवार के दिन षष्ठी तिथि होगी और इस दिन माँ सरस्वती का आवाहन किया जाता है और इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस रूप का जन्म महर्षि कात्यायन से हुआ था। कथा के अनुसार एक दिन महर्षि कात्यायन महिषासुर के अंत के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ उनके सामने प्रकट हुए। तीनों ने मिलकर अपनी शक्ति से माता दुर्गा को प्रकट किया, इसलिए माँ दुर्गा का एक नाम माँ कात्यायनी है।
माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इस दिन शहद का भोग लगाने से मनुष्य की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। माँ कात्यायनी का प्रिय रंग हरा माना जाता है। अब दोस्तों 5 अक्टूबर शनिवार के दिन सप्तमी तिथि है। उस दिन माँ काल रात्रि की विधिवत पूजा की जाती है। उस दिन माँ सरस्वती की भी पूजा की जाती है। दोस्तों माँ काल रात्रि को दुर्गा का 7वां स्वरूप माना जाता है। उनका नाम काल रात्रि इसलिए है क्योंकि वह काल का भी विनाश है। उनमें इतनी क्षमता है कि वह सब कुछ विनाश कर सकती हैं। माता का रंग काला होता है, उनके बाल बिखरे हुए होते हैं और शरीर अग्नि के समान तेज वाला होता है। माँ काल रात्रि को नैवेद्य रूप में गुड़ का भोग लगाना चाहिए और गुड़ को ही ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। ऐसा करने से शोक से मुक्ति मिलती है एवं आकस्मिक आने वाले संकटों से माँ काल रात्रि रक्षा करती हैं। माँ काल रात्रि का प्रिय रंग ग्रे कलर है, अर्थात जैसा धुएं का कलर होता है, धूसर रंग। अब दोस्तों नवरात्रि का 8वां दिन अर्थात अष्टमी तिथि, जो कि 6 अक्टूबर को है, रविवार के दिन, उस दिन दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। उस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, साथ ही उस दिन संधि पूजा भी होती है। तो संधि पूजा का शुभ मुहूर्त है उस दिन सुबह के 10:30 से लेकर के 11:18। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है। ये माता का एक शांत स्वरूप है। मान्यता है कि शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या से देवी पार्वती का रंग सांवला हो गया था। बाद में शिवजी जब प्रसन्न हुए, उन्होंने गंगा के पानी को माता पार्वती के ऊपर डालकर उन्हें गोरा रंग प्रदान किया। इसके बाद से माता पार्वती को महागौरी के नाम से पूजा जाने लगा। उनका वाहन बैल है। 8वें दिन माता रानी को नारियल का भोग समर्पित करना चाहिए। इससे संतान संबंधी सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और माँ दुर्गा देवी की कृपा प्राप्त होती है। माता महागौरी का प्रिय रंग पर्पल कलर अर्थात बैगनी कलर माना जाता है। अब दोस्तों 7 अक्टूबर सोमवार के दिन नौमी तिथि होगी। इसी दिन नौमी हवन भी किया जाएगा और इसी दिन नवरात्रि पारण भी होगा। दोस्तों नौमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के नवे रूप को सिद्धिदात्री कहते हैं। ये सिद्धि प्रदान करने वाली माता मानी जाती है। मान्यता है कि माता सिद्धिदात्री की वजह से ही शिव जी को अर्ध नारीश्वर का स्वरूप प्राप्त हुआ था। उनका वाहन सिंह है और उनका आसन कमल का फूल है। माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग पिकॉक ग्रीन है, अर्थात जैसे मोर का हरा रंग होता है वैसा रंग, और माता को तिल भोग के रूप में समर्पित करना चाहिए। तिल से बनी मिठाई आप माता को समर्पित कर सकते हैं या तिल समर्पित कर सकते हैं। तिल ही उस दिन हमें ब्राह्मणों को दान रूप में भी देना चाहिए। इससे मृत्यु का भय नहीं रहता, साथ ही अनहोनी घटनाओं से हमारी रक्षा होती है। दोस्तों हवन इसी दिन किया जाता है नौमी के दिन। इस दिन कन्या पूजन भी आप इस दिन कर सकते हैं। आपके पारिवारिक परंपरा के अनुसार जिस दिन भी हवन और कन्या पूजन किया जाता है, अष्टमी या नौमी, उस दिन आप कर सकते हैं। अब दोस्तों 8 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी। मंगलवार का दिन है उस दिन और उसी दिन दुर्गा विसर्जन भी किया जाएगा। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा, व्रत और उपासना की जाती है, लेकिन आपको इस दौरान कुछ जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए। मार्कंडेय और देवी पुराण के अनुसार देवी दुर्गा की पूजा और व्रत उपासना नियम के अनुसार ही करनी चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार इन 9 दिनों में पूरे संयम से रहना चाहिए और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसा करने से आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति बढ़ती है और माँ दुर्गा की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों नवरात्रि के पहले दिन 9 दिनों के व्रत और उपवास का संकल्प लेना चाहिए। आप जिस भी मंत्र का जप करना चाहते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, आप जिस भी प्रकार से पूजा करना चाहते हैं, उसका संकल्प आपको पहले दिन घट स्थापना के बाद लेना होता है। इसके लिए सीधे हाथ में जल लेकर उसमें चावल, फूल और एक सुपारी और सिक्का रखें। हो सके तो अगर आपने जो घट
स्थापना के लिए आप ब्राह्मण को बुलाएं, और ऐसा अगर नहीं है, आपने घट स्थापना स्वयं की है, तो आप संकल्प भी स्वयं लें और हाथों में इन सब चीजों को लेकर के कामना पूर्ति के लिए मन में ही संकल्प लें और माता जी के चरणों के आगे छोड़ दें। इन दिनों व्रत उपासना में सुबह जल्दी उठकर नहाएं और घर की सफाई कर लें। पूरे घर को गौमूत्र और गंगा जल छिड़क करके पवित्र कर लें। इसके बाद माता जी की पूजा करें। पूजा में ताजा पानी और दूध से माता जी को स्नान करवाएं, फिर कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल और अन्य सुगंधित चीजों को माता को अर्पित करें, फूल चढ़ाएं, मिठाई का भोग लगाएं, उसके बाद माँ की आरती करें। नवरात्रि के पहले ही दिन घी या तेल का दीपक जलाएं। अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो इसको जला करके 9 दिनों तक रखना है, और उसका पूर्ण ध्यान रखना है कि 9 दिनों में वो दीपक बुझे ना। और दोस्तों, व्रत उपासना में माता जी की पूजा करने के बाद ही फलाहार करें, यानी सुबह माता जी की पूजा के बाद दूध और या फिर कोई फल ले सकते हैं। नमक नहीं खाना होता है। अगर नमक खाना ज़रूरी हो तो सेंधा नमक आप खा सकते हैं। इसके बाद दिन भर मन ही मन माँ का नाम लेते रहें, माँ के नाम का जप करते रहें। शाम को फिर से माता जी की पूजा और आरती करें। शाम को स्नान नहीं कराना होता है, भोग लगाएं और आरती करें। शाम के आरती के बाद आप एक बार और फलाहार कर सकते हैं। अगर ना हो सके तो शाम को पूजा के बाद आप भोजन कर सकते हैं। माता जी की पूजा के बाद रोज एक कन्या की पूजा करें और उसको भोजन कराएं और दक्षिणा दें। अगर रोज ना हो सके तो नौमी के दिन, जिस दिन आप पूर्णाहुति करते हैं, हवन करते हैं, उस दिन 9 कन्या का पूजन जरूर करें, उनको भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें। नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि 9 दिनों में लहसुन, प्याज, मांसाहार, ठंडा और जूठा भोजन नहीं खाना है, रात का बासी भोजन भी नहीं करना है, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना है। इन दिनों में कोई भी तरह के शौर कार्य ना करें, जैसे कि बाल काटना, नाखून ना काटें, शेव ना बनाएं। इसके साथ ही तेल की मालिश भी हमें इस दौरान नहीं करने चाहिए। नवरात्रि के दिनों में दिन में सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में सूर्योदय से पहले उठें और नहा लें। शांत रहने की कोशिश करें, झूठ ना बोलें, गुस्सा ना करें। साथ ही मन में किसी भी प्रकार की गलत भावना, दुर्भावना ना आने दें, अपने इंद्रियों पर काबू रखें। दोस्तों, नवरात्रों में अगर आपने घट स्थापना की है, अर्थात माता जी को अपने घर में आमंत्रित किया हुआ है, स्थापित किया हुआ है, तो आपको घर में ताला लगा के घर को खाली छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर बहुत आवश्यक है, किसी कारणवश आपको जाना पड़ता है, तो भगवान गणेश को हम प्रतीक रूप में रख के जाते हैं और उनसे प्रार्थना करके जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से नवरात्रि का उपवास बीमार बच्चों और बूढ़ों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें नियमों का पालन करना कठिन है, तो पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महिलाएं जब अशुद्ध हो जाती हैं पीरियड्स के दिनों में क्या करें, पूजा किस प्रकार करें। दोस्तों, मानसिक पूजा आप हमेशा कर सकते हैं, परंतु पीरियड्स में आपको पूजा नहीं करनी है, पूजा की कोई भी सामग्री नहीं छूनी है। अगर आप घट स्थापना करना चाहते हैं और अशुद्ध हैं, तो घर में कोई ना कोई होना चाहिए जो पूजा की तैयारी कर सके, और ब्राह्मण को बुला करके आप घट स्थापना कर सकते हैं। अगर आपने घट स्थापना कर ली है, तो घर में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो सुबह शाम आकर के माता को भोग लगाए, आरती कराए, स्नान कराए। अगर कोई ऐसा नहीं है, तो आप ब्राह्मण को बुला करके ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने संकल्प लिया हुआ है किसी मंत्र के जप का या दुर्गा सप्तशती के पाठ का, और आप अशुद्ध हो जाते हैं, तो या तो आप 4 दिनों के बाद, शुद्ध होने के बाद आप अपना संकल्प पूर्ण करें। अगर उतना समय नहीं है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना संकल्प किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं और उससे ये पूजा पूर्ण करवा सकते हैं और माँ से क्षमा मांग सकते हैं। दोस्तों, पूजा में आप मानसिक पूजा हमेशा कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, माता को याद कर सकते हैं, लेकिन पूजा की सामग्री आपको नहीं छूनी होती है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और दुर्गा पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिली होगी। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।